बाबा सिद्दीकी जी के साथ हमारे बहुत ही पुराने संबंध थे। वो जब मैं एनएसयूआई का राष्ट्रीय अध्यक्ष था तो भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन में काम करते थे, और जो हुआ है बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और अत्यंत निंदनीय है। सरकार को ये पूरी कोशिश करनी चाहिए कि जो भी इसका जिम्मेदार है, जिसने भी ये षड्यंत्र रचा है, उसको सख्त से सख्त सजा दी जाए। और मेरी सांत्वनाएं उनके परिवार के साथ हैं। वो बहुत ही लंबे समय तक कांग्रेस में कार्य करते रहे, और ये जिस तरह से वाक्य हुआ है ये अत्यंत ही एक दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय बात है। और महाराष्ट्र में जो कानून और व्यवस्था की परिस्थिति है उसका जीता जागता उदाहरण। बाबा सिद्दीकी जी के साथ हमारे बहुत ही पुराने संबंध थे। वो जब मैं एनएसयूआई का राष्ट्रीय अध्यक्ष था तो भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन में काम करते थे, और जो हुआ है बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और अत्यंत निंदनीय है। सरकार को ये पूरी कोशिश करनी चाहिए कि जो भी इसका जिम्मेदार है, जिसने भी ये षड्यंत्र रचा है, उसको सख्त से सख्त सजा दी जाए। और मेरी सांत्वनाएं उनके परिवार के साथ हैं। वो बहुत ही लंबे समय तक कांग्रेस में कार्य करते रहे, और ये जिस तरह से वाक्य हुआ है ये अत्यंत ही एक दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय बात है। और महाराष्ट्र में जो कानून और व्यवस्था की परिस्थिति है उसका जीता जागता उदाहरण है। बाबा सिद्दीकी जी के साथ हमारे बहुत ही पुराने संबंध थे। वो जब मैं एनएसयूआई का राष्ट्रीय अध्यक्ष था तो भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन में काम करते थे, और जो हुआ है बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और अत्यंत निंदनीय है। सरकार को ये पूरी कोशिश करनी चाहिए कि जो भी इसका जिम्मेदार है, जिसने भी ये षड्यंत्र रचा है, उसको सख्त से सख्त सजा दी जाए। और मेरी सांत्वनाएं उनके परिवार के साथ हैं। वो बहुत ही लंबे समय तक कांग्रेस में कार्य करते रहे, और ये जिस तरह से वाक्य हुआ है ये अत्यंत ही एक दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय बात है। और महाराष्ट्र में जो कानून और व्यवस्था की परिस्थिति है उसका जीता जागता उदाहरण है। बाबा सिद्दीकी जी के साथ हमारे बहुत ही पुराने संबंध थे। वो जब मैं एनएसयूआई का राष्ट्रीय अध्यक्ष था तो भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन में काम करते थे, और जो हुआ है बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और अत्यंत निंदनीय है। सरकार को ये पूरी कोशिश करनी चाहिए कि जो भी इसका जिम्मेदार है, जिसने भी ये षड्यंत्र रचा है, उसको सख्त से सख्त सजा दी जाए। और मेरी सांत्वनाएं उनके परिवार के साथ हैं। वो बहुत ही लंबे समय तक कांग्रेस में कार्य करते रहे, और ये जिस तरह से वाक्य हुआ है ये अत्यंत ही एक दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय बात है। और महाराष्ट्र में जो कानून और व्यवस्था की परिस्थिति है उसका जीता जागता उदाहरण है।